हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का पार्ट नंबर सेकंड। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर फर्स्ट पार्ट में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। फर्स्ट पार्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आप लोगों को कवर करवाए थे। फर्स्ट था हमारा डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा था हमारा फीचर्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। आज हम पार्ट नंबर टू के अंदर इसमें पढ़ने वाले हैं हम लोग दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक छोटे छोटे से, जिसमें सबसे पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा रहेगा हमारा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, सबसे पहला टॉपिक हमारा ऑब्जेक्टिव यानी कि एम ऑफ अकाउंटिंग। हम बुक्स ऑफ अकाउंट को क्यों प्रिपेयर करते हैं या कोई भी बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर क्यों करता है, इसके पीछे का पर्पस क्या है। तो इस जब समझते हैं, पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम बुक्स ऑफ अकाउंट इसलिए बनाते हैं ताकि हम अकाउंट्स के अंदर सारी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन कर सके, यानी सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सके। ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स बनाने का सबसे बड़ा पर्पस, सबसे बड़ा एम होता है सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का क्या रखना, रिकॉर्ड करना कि हमने यार कितने रुपए का सेल कर लिया, हमने कितने का परचेज कर लिया, हमने कितना पैसा दिया है, हमने कितने पैसे लेने हैं। ठीक है, इसी के बेसिस पे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बिजनेस फायदे में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। एंड इवन द ऑर्गेनाइजेशन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग बाय ऑल द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी। तो बिजनेस की ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंट्स के सारे प्रिंसिपल्स को, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट्स करने का, अकाउंटिंग करने का सबसे पहला और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यानी पर्पस है अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करना। दूसरे नंबर पे है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशंस करना। अगर हम अकाउंट नहीं बनाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पर ही बहुत सारी चीज़ें टिकी होती हैं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरा बिजनेस पिछले 5 साल से लॉस में है तो मैं शायद ही उस बिजनेस को फिर आगे कैरी करूँ, लेकिन अगर पता चले कि बैक टू बैक ईयर में प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो मैं उस बिजनेस को आगे जरूर बढ़ाऊंगा। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू ascertain the profit earned or loss sustained by the business during an accounting period। किसी भी बंदे का अकाउंटिंग करने का सबसे बड़ा पर्पस ये होता है ताकि वो ये पता लगा सके कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। अगले नंबर पे determining the financial position। आपको अगर पता लगाना है कि आपके बिजनेस की क्या सिचुएशन चल रही है, आपके बिजनेस में कितने रुपए का स्टॉक पड़ा है, कितने रुपए का कैश है आपके पास, कितने रुपए की आपके पास बिल्डिंग है, तो उसी के हिसाब से तो आप आगे क्या करते हो, प्लानिंग्स करते हो। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि आपके बिजनेस की क्या सिचुएशन है तो उसके लिए भी आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का यानी अकाउंट्स का ही यूज करना पड़ता है। तो अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी होता है ताकि हम ये पता लगा सके कि हमारे बिजनेस की क्या सिचुएशन चल रही है। अकाउंटिंग ascertain the financial position, अकाउंटिंग क्या करता है हमारी फाइनेंशियल पोजिशन को भी क्या करता है, बताने का काम करता है। और इसके लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस पता लगाने के लिए आपको पता ही होगा हम P&L अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यूज करते हैं या फिर हम यूज करते हैं इनकम स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया जा रहा है, थर्ड ऑब्जेक्टिव में कह रहा है फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। कह रहा है कि मैनेजमेंट के लिए भी फैसिलिटेट होता है, मैनेजमेंट को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अकाउंट। जो मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस को चलाता है, तो मैनेजमेंट को पता लगाना है कि किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना तय करना है, तो उसकी कॉस्ट जाननी होगी, तो कॉस्ट जानने के लिए तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट का यूज़ करना है। मैनेजमेंट को जानना है कि हमें कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो बिजनेस की सिचुएशंस को देखकर ही क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, बहुत सारे डिसीजंस लेता है, प्लान्स करता है। तो इसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत पड़ती है किसको, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, है ना, इफेक्टिव कंट्रोल, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर का अंदाजा लगाना। तो मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत क्यों होती है, डिसीजन लेने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए बिजनेस के ऊपर, है ना, इसके अलावा बजटिंग और फोरकास्टिंग करने के लिए मैनेजमेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट की यानी अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स, अगर आपको अपने बिजनेस के एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है और बिजनेस पे अच्छे से कंट्रोल करना है तो भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना चाहिए। अकाउंटिंग मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओड बाय द बिजनेस। बिजनेस के पास जितने भी बिजनेस की ओनरशिप वाले जितने भी एसेट्स हैं, बिजनेस सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करता है, विच इनेबल द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट देम एंड एक्सरसाइज द कंट्रोल। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल में हम जाते हैं तो उनके जो मालिक होते हैं वो दुकान पर होते ही नहीं है, सिर्फ वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। तो क्या वर्कर इतने ईमानदार होते हैं कि वो
क्या वो वर्कर उस शोरूम के अंदर से सामान उठा के नहीं ले जा सकते? चोरी कर सकता है, किसी का क्या भरोसा? लेकिन जो ओनर होते हैं वो इतने चालाक होते हैं, वो हर चीज के ऊपर अपना एक बार कोड लगा देते हैं, ठीक है, ताकि दुकान के अंदर से जो भी सामान जाएगा वो स्कैन होगा और दुकान में जो भी सामान आएगा तो वो भी स्कैन होगा, तो पता चल जाएगा कि हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। अकाउंटिंग का सबसे मेन पर्पस ये भी होता है कि सारे असेट्स को हम रिकॉर्ड करके रखें, ताकि अगर हमारा कोई भी असेट्स मिस होगा तो हमें पता चल जाएगा। तो अकाउंटिंग की वजह से ही हम अपने बिजनेस के सारे असेट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, उनको सुरक्षित रख पाते हैं, हमें पता चल जाता है, ठीक है। बड़े बड़े बिजनेस में तो हर टाइम ओनर तो होता नहीं है, तो जहां पर ओनर नहीं होता वहां पर अकाउंटिंग की मदद से ही बिजनेस के असेट्स को क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहां पर हमने पढ़ लिया एम या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होते हैं, उसके बाद हमें पढ़ने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग हमारे लिए क्या क्या काम करता है। अकाउंटिंग सबसे पहला काम करता है आइडेंटिफाइंग का। अकाउंटिंग आइडेंटिफाई करके ये देखता है कि बिजनेस में कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है और कौन सी नहीं करनी। सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो मॉनेटरी फॉर्म में होता है, यानी जिसका लेना देना पैसों से होता है या फिर जिसका लेना देना इकोनॉमिक एक्टिविटी से होता है। उसके बाद अकाउंट्स बिजनेस के अंदर चीज़ों को रिकॉर्ड करने का काम करता है, उसके बाद क्लासीफाई करने का काम करता है, उसके बाद समराइज, उसके बाद इंटरप्रेटिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग का काम करता है। अब अगर किसी बच्चे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आपको पार्ट नंबर 1 देखना पड़ेगा। पार्ट नंबर 1 के अंदर जो मैंने फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग समझाए थे उसी का ये पार्ट है, आप ये देख लेना। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग भी आता है, तो याद रखना कि अकाउंटिंग क्या क्या काम करता है। अकाउंटिंग आइडेंटिफाइंग करता है ट्रांजेक्शन को, बिजनेस में होने वाली सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेता है। उसके बाद क्लासीफाइंग, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, जो सेल की ट्रांजेक्शन है, परचेज की ट्रांजेक्शन है, तो बिजनेस अकाउंटिंग क्या करता है, जितनी भी सेल की ट्रांजेक्शन है उसको एक जगह कलेक्ट करता है, जितने भी कैश की ट्रांजेक्शन है उन्हें एक जगह कलेक्ट करता है, जितनी परचेज की ट्रांजेक्शन है उन्हें एक जगह कलेक्ट करता है। यानी कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्लासीफाइंग का काम करता है। फिर समराइजिंग, अकाउंटिंग सारी चीज़ों को अलग अलग करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, उन्हें समराइज करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट भी निकाल कर देता है, इसे हम लोग समराइजिंग कहते हैं। इंटरप्रेटिंग यानी उसकी एनालिसिस करना, उसको कंपेयर करना, रिजल्ट निकालना। उसके बाद आ जाता है एनालाइजिंग, एक ही बात है दोनों। और उसके बाद आ जाता है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब जब हम बैंक से लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक वाला जब लोन देता है तो भी हमारी वो बुक्स ऑफ अकाउंट को यूज़ करता है, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट हमारी इन्फॉर्मेशन को, हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट यानी बताने का काम भी करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट यानी अकाउंटिंग ही तो सरकार को बताती है कि हमसे उन्हें कितना टैक्स लेना है, ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग कम्युनिकेटिंग। मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स, अकाउंट्स लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी काम में आता है। अगर हमारे ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है और हमारे ऊपर इल्जाम लग जाता है कि हमने टैक्स चोरी करा है, तो हम अपने आप को कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हम अपने आप को बुक्स ऑफ अकाउंट के द्वारा ही प्रूफ कर सकते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में भी बुक्स ऑफ अकाउंट काम आता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को भी बहुत हेल्प करता है। अभी हम पिछला टॉपिक पढ़ के आए, मैनेजमेंट को भी बुक्स ऑफ अकाउंट बहुत हेल्प करता है, जैसे कि फोरकास्टिंग करने के लिए, प्लानिंग्स करने के लिए, है ना, फ्यूचर की, इसके अलावा बजट बनाने के लिए, बहुत सारी चीजों के अंदर डिसीजन मेकिंग करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए मैनेजमेंट की हेल्प करता है। तो हमने पढ़ लिया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस और एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम इसी तरीके से और इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों इतना ही।